Now this question says, read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. ये statement true है या false है ये हमें reason करना है. ठीक है. Statement says, a particle in one dimensional motion, one dimension moving along its same slant, okay, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. तो क्या कभी किसी बॉडी के अंदर उसकी स्पीड तो जीरो होगी मगर उसकी एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगी? क्या ऐसा कभी हो सकता है? इसको हम कैसे सोच सकते हैं? सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो बॉडी ऊपर जाती है और एक जगह रुकती है और फिर वापस लौट कर आती है. मोमेंट इट रीचेज द हाइएस्ट पॉइंट, ठीक है, इट्स स्पीड बिकम्स जीरो, ठीक है, बट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज स्टिल देयर, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता. ठीक है, द बॉडी इज रिटर्निंग, इट हैज गॉट द एक्सीलरेशन. ठीक है, तो ये इस सिचुएशन पर हम बता सकते हैं कि देखो जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो होती है मगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है. सेकंड सेज, इट्स विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों सेम चीज है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है. जब मैग्नीट्यूड ही उसका जीरो हो गया, जीरो स्पीड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो ही होगी. ठीक है, अगर किसी बॉडी की स्पीड जीरो है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. पहला स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट. ये स्टेटमेंट ट्रू है. और कौन सा केस हम इसको दिखाएंगे ट्रू के लिए? Highest point, when an object is thrown up at highest point, it so happens. B के केस में, with zero speed may have non-zero velocity. ये statement false है. ठीक है, क्योंकि speed zero है तो velocity भी zero होगी. ये हमेशा ऐसे होगा. C point कह रहा है, with constant speed must have zero acceleration. Speed तो constant हो मगर एक्सीलरेशन जीरो हो. तो अब यहाँ पे क्योंकि स्पीड बोल रहा है तो हमें स्पीड के हिसाब से सोचना है. ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है वो सेम है. यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है तो उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड है. ठीक है, बट मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन. मतलब यहाँ पे अगर हम इसी बॉडी की मोशन को वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, तो एक्सीलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Now, velocity is changing on account of its direction. क्योंकि direction के हिसाब से velocity change हो रही है इसलिए body is under accelerated motion. तो बेशक circular motion के अंदर body की speed constant होती है, ठीक है, मगर उसका acceleration zero नहीं होता. ठीक है, उसका acceleration होता है. तो ये statement गलत हो गई यहाँ पे क्योंकि statement कह रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने वाली हर चीज जीरो एक्सीलरेशन के साथ चलेगी. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द बॉडी हैज कॉन्स्टेंट स्पीड बट इट इज अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन हमेशा होता है उसमें. डी स्टेटमेंट को देखें, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप. ठीक है, अब इसको किस प्रकार से देखेंगे? अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो बॉडी हमेशा स्पीड अप होनी चाहिए. एक्सीलरेशन इज
v minus u upon t. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. अपॉन टाइम. अब ये चीज पॉजिटिव कब होगी? ये चीज पॉजिटिव तभी होगी द फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो. जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो ये चीज तभी पॉजिटिव होगी. ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि जब जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा बॉडी स्पीड अप हो रही होगी. द बॉडी मस्ट बी स्पीडिंग अप.